हेलो एवरीवन वेलकम टू जीएस टैंक जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारतीय राजव्यवस्था पे या बोले तो संपूर्ण भारत की राजव्यवस्था पे ठीक है और कल के क्लास की बात करें यानी कि पिछले क्लास की बात करें तो हमने पार्ट सिक्सटीन यानी कि भारतीय संविधान का जो पार्ट सोलह है जो कि रिलेट करता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस यानी कि कुछ वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान है उससे रिलेट करता है ठीक है तो वो कल हमने कंप्लीट किया था पिछले क्लास में वो कंप्लीट हो चुका था ठीक है जहां पे हमने मेनली वो जो कुछ वर्ग हैं उसके बारे में क्या हो गया एस हो गया एस हो गया एंग्लो इंडियंस हो गया ये सब था तो सारे को आर्टिकल्स के माध्यम से हमने कवर किया था ठीक है तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं प्ले क्रिएट किया हुआ है और अगर कोई भी वीडियो आपका पहले का मिस हो गया क्योंकि हम लोग पूरा सीरियली चल रहे हैं आप अगर देखे होंगे पूरे प्लेलिस्ट को तो पूरा सीरियली हमने पढ़ाया है आपको है, पार्ट वन से लेकर पार्ट सिक्सटीन पूरा है, कोई भी टॉपिक इधर उधर नहीं हुआ है ठीक है तो आज हम उसके आगे बात करेंगे यानी कि पार्ट तो तो हो गया है तो आज हम उसके आगे बात करेंगे इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपका पॉलिटी का कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर रहे पूरे अच्छे तरीके से वो क्लियर हो जाए ठीक है तो आइए आज हम बात करेंगे पार्ट सेवेंटीन यानी कि संविधान का भाग सत्रह जो कि रिलेट करता है राजभाषा से यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज से उसको आज हम देखेंगे और समझेंगे तो आइए देखते हैं इसको ऑफिशियल लैंग्वेज अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी हो जाएगा राजभाषा ठीक है राजभाषा यही बात करते हैं इसके पार्ट तो की तो संविधान की किस भाग में आता है तो ये आता है भाग सत्रह में ठीक है और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आता है तीन सौ तैतालीस से लेकर तीन सौ इक्यावन तक ठीक है राजभाषा की बात करें यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यह संविधान के भाग सत्रह और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल तीन सौ तैतालीस से लेकर तीन सौ इक्यावन तक ठीक है क्लियर ये पॉइंट अब ये है सो एक शेड्यूल से, से भी रिलेट करता है जो कि शेड्यूल आठ है जो आठवां अनुसूची है संविधान का वो लैंग्वेज से रिलेट करता है जिसमें बताया गया कि कुल कितने भाषाएं हैं कुल बाईस भाषाएं हैं है। जिसमें जिक्र है कितना बाईस भाषाएं क्लियर ये पॉइंट इतना क्लियर होगा ठीक है अब हम बात करेंगे कि भाषा के कॉन्टेक्स्ट में तीन टर्म को ठीक है यानी कि ये भाषा है लेकिन तीन अलग अलग टर्म है ठीक है इसको थोड़ा सा हम बारीकी से देखते हैं जिसमें है राष्ट्रभाषा राज्य भाषा और राजभाषा ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग राष्ट्रभाषा का ठीक है तो जो राष्ट्रभाषा है उसको इंग्लिश में लिखते हैं नेशनल लैंग्वेज अब इसके कहने का क्या मतलब है इसके कहने का यह मतलब है कि जो देश का भाषा है ठीक है जो देश में भाषा है उसको बोलते हैं राष्ट्रभाषा और यहीं पे बात करें कि देश में सबसे लोकप्रिय भाषा यानी कि भारत देश का जो सबसे लोकप्रिय भाषा है वो क्या है वो हिंदी है ठीक है तो अगर लोकप्रिय भाषा की बात करें यानी कि फेमस भाषा कौन सा है हिंदी है तो ये हो गई नेशनल लैंग्वेज की बात अब बात करते हैं राज्य भाषा तो राज्य भाषा मतलब क्या हो जाएगा स्टेट लैंग्वेज ठीक है अब स्टेट लैंग्वेज कहने का क्या मतलब है कि हर एक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है जैसे बिहार में फेमस भाषा कौन है हिंदी है महाराष्ट्र में फेमस क्या है मराठी है केरला में फेमस क्या है मलयालम है ठीक है गुजरात में फेमस क्या है गुजराती है तो इस तरीके से जो भाषाएं हैं ये क्या हो जाता है राज्य भाषा हो जाएगा ठीक है समझ गए राज्य भाषा अब बात करते हैं मेन जो हमारा है राजभाषा जिसको बोलते हैं क्या ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में वही अभी हम पढ़ भी रहे हैं तो राजभाषा कहने का यह मतलब है कि जो पेपर वर्क के लिए जिस भाषा का यूज किया जाता है जैसे कोई काम काज कर रहे हैं ठीक है जो भारत सरकार में जो काम होता है बिहार सरकार ये सब जो काम होता है गवर्नमेंट का, का काम हो गया या फिर आपका जो ऑफिशियल वर्क ये सब हो जाता है तो उसमें जो भाषा यूज किया जाता है उसमें जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो क्या है उसको कहते हैं हम लोग राजभाषा ठीक है जो कि क्या है हिंदी है हिंदी है ना हिंदी है और यही बात करते हैं सहायक राजभाषा का यानी कि हेल्पिंग जो ऑफिशियल लैंग्वेज है helping official language, वो क्या है वो है इंग्लिश वो क्या है इंग्लिश है जैसे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ये सब जो कोर्ट है उसमें कौन सा भाषा यूज किया जाता है उसमें इंग्लिश भाषा यूज किया जाता है उसमें हिंदी यूज नहीं किया जाता है ठीक है क्लियर है पॉइंट तो अब इसके आगे बात करेंगे जो कि इसका दो तीन पॉइंट हिस्ट्री का देख लेते हैं कि कैसे है कैसे ये आया संविधान में ठीक है तो अगर हिंदी के हिस्ट्री की बात करें संविधान के संवैधानिक तौर पे बात कर रहे हैं वो आप समझ रहे हो कि पूरा इतिहास हिंदी का वो बात नहीं कर रहे हैं संवैधानिक तौर पर बात कर रहे हैं क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं ठीक है तो पॉइंट कहता है कि चौदह सितंबर उन्नीस को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के तौर पे घोषित किया ठीक है डेट क्या है 14 सितंबर उन्नीस 14 सितंबर उन्नीस को जो संविधान सभा है उसने हिंदी को भारत के ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे घोषित किया था ठीक है इसी के लिए इसी के लिए जो 14 सितंबर का डेट है उसको किस रूप में बनाते हैं हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं याद आया जो हिंदी दिवस है वो हम कब मनाते हैं चौदह सितंबर को मनाते हैं लेकिन यही बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस की तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दस जनवरी को ये बात हो गई करंट की ये भी बात हो गई करेंट की कि हिंदी दिवस मनाया जाता है चौदह सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को क्लियर इतना पॉइंट अब बात करते हैं कि हिंदी का लिपि कौन सा है हिंदी की लिपि तो हिंदी में जो लिपि यूज होता हुआ है वो होता है देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि हिंदी का कौन सा लिपि है देवनागरी लिपि ठीक है क्लियर पॉइंट अगला पॉइंट है कि भारत में लगभग 44 परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं यानी बात करें कि भारत में कितने लोग हिंदी बोलते हैं तो 44 फोर परसेंट अप्रोक्स है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है अप्रोक्स में पॉइंट में हो सकता है 43 पॉइंट हो सकता है 44 पॉइंट हो सकता है लेकिन अगर ओवरऑल अप्रोक्स की बात करें तो फोर्टी जो पीपल है चौवालीस जनता जो है वो हिंदी बोलती है ठीक है क्लियर पॉइंट तो ये हो गया कुछ हिस्ट्री के बारे में ये तो हिस्ट्री नहीं हुआ लेकिन बाकी ये जो पॉइंट है वो हिस्ट्री के बाद हो गई है ठीक है अब हम आएंगे इसके आर्टिकल्स पे जो कि मैंने आपको बताया कि 343 से लेकर तीन तक ठीक है और आर्टिकल्स के बाद हम लोग जो शेड्यूल आर्ट है उसको भी देखेंगे वैसे हमने शेड्यूल आर्ट जब शेड्यूल पढ़ाया था शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें मैंने आपको बता भी दिया था कि दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन है 14 14 प्लस 8 14 पहले था और 8 बाद में ऐड किया गया और किस किस संविधान संशोधन अधिनियम से ऐड किया गया यह भी हम आपको बता चुके थे लेकिन फिर आज यहां पे क्योंकि हम लैंग्वेज टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको फिर से हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे ठीक है तो अब बात करते हैं आर्टिकल के तो आर्टिकल तीन जो इसका पहला आर्टिकल लैंग्वेज का वो क्या कहता है संघ की राजभाषा जो यूनियन है उसके ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है यानी कि अगर इसको इंग्लिश में बोले तो ये हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन जो कि क्या है जो कि है आपका हिंदी जो यूनियन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है राजभाषा है वो क्या है हिंदी है यही बात कहा गया किस में आर्टिकल तीन सौ तैतालीस में ठीक है क्लियर ये पॉइंट अब बात करते हैं तीन का आर्टिकल तीन ये क्या कहता है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति यानी कि जो राजभाषा के कॉन्टेक्स्ट में संसद की समिति और आयोग की बात की जा रही है आर्टिकल तीन में जिसमें आपको मैंने बताया था जब हमने संसद की कार्यवाही पढ़ी थी ठीक है तो उसमें जो सांसद यूज करते हैं जिस भाषा का वो क्या है हिंदी है और इंग्लिश है, है, तो तो है? इंग्लिश है और राजभाषा हिंदी है तो संसद में जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो हिंदी और इंग्लिश का यूज किया जाता है लेकिन अगर कोई सांसद उस भाषा को नहीं समझ पा रहा है यानी कि कोई सांसद अगर हिंदी इंग्लिश नहीं समझ रहा है तो वो अपने रेस्पेक्टेड अध्यक्ष माने कि वो उनके जो अध्यक्ष है, है और राज्यसभा के तो उनके जो अध्यक्ष या सभापति हैं उनसे वो परमिशन लेके वो अपना भाषा भी बोल सकते हैं ठीक है ये बात मैंने आपको उस समय भी बताया था तो आर्टिकल 344 भी यही कहता है कि राजभाषा के संबंध में जो आयोग और संसद की समिति है उसके बारे में बात की गई है ठीक है अब बात करेंगे कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे मतलब जो राजभाषा का आयोग था सबसे पहले जिसका गठन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे तो उसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर बाल गंगाधर तिलकमा समझिएगा खेर ठीक है इसको शॉर्ट में बोले तो बीजी खेर भी बोल सकते हैं बीजी खेर ये थे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष ठीक है क्लियर ये पॉइंट ये पूरा पॉइंट आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो तो अब इसके आगे के आर्टिकल्स पे आते हैं इसको एक बार नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगला है आर्टिकल 345 यानी कि अनुच्छेद 345 की बात हो रही है जिसमें कहा गया है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं अगर इसको इंग्लिश में बोले तो बोल सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर जेज ऑफ स्टेट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था राज्य भाषा के बारे में उसी की बात इसमें हो रही है आर्टिकल 345 में जिसमें लोकप्रिय भाषा मैंने बताया था जैसे बिहार में क्या है हिंदी है ठीक है महाराष्ट्र में क्या है मराठी है गुजरात में क्या है गुजराती है तमिलनाडु में क्या है तमिल है ठीक है तो इस तरीके से हर स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है लोकप्रिय होती है ठीक है उसी की बात हो रही है आर्टिकल 345 में क्लियर है पॉइंट अब बात करते हैं 346 का ये क्या कहता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच पत्राचार की राजभाषा पत्राचार कहने का मतलब है कम्युनिकेशन यानी कि यह आर्टिकल कह रहा है कि किसी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अगर कम्युनिकेशन करना है या फिर यूनियन और स्टेट के बीच कम्युनिकेशन करना है तो उसमें जो राजभाषा यूज किया जाएगा उसका चर्चा यहां पे किया गया तो इसमें राजभाषा कौन सा यूज किया जाएगा या तो हिंदी बोला जाएगा या इंग्लिश लेकिन कंडीशन है कि इसके लिए कम से कम दो या दो से अधिक राज्यों के सहमति होनी चाहिए तब हिंदी में बात हो सकता है लेकिन इंग्लिश में भी इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि आपने देख आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे लोग इंग्लिश समझते हैं जैसे आप ईस्टर्न साइड के स्टेट देख लीजिए जैसे मिजोरम हो गया नागालैंड हो गया साउथ में अगर आप आते हैं तो वो तो अपना राजभाषा बोलते हैं लेकिन वो लोग इंग्लिश बोलना भी प्रेफर करते हैं वो लोग इंग्लिश भी अच्छे से समझते हैं ठीक है इसलिए ये दोनों लैंग्वेज को रखा गया है कम्युनिकेशन के लिए या तो दो राज्यों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर यूनियन और स्टेट संघ और राज्यों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है तब ये यूज किया जाएगा हिंदी या इंग्लिश को ठीक है क्लियर पॉइंट और हिंदी का कंडीशन तो बता ही दिया कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर बताएगा कि हाँ सहमत है सहमति चाहिए दो या दो से अधिक राज्यों के यहाँ हिंदी में ही वार्तालाप होनी चाहिए तब ऐसा होगा ठीक है अगला है आर्टिकल तीन सौ सैतालीस ये क्या कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या की मांग पर किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा राष्ट्रपति दे सकते हैं अब यहां कहा गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या यानी कि कहने का मतलब है कि वहां के अगर मैक्सिमम लोग वहां के बोल रहे हैं मेजोरिटी अगर है कि हाँ हमको इस भाषा को राजभाषा बनाना है अगर वहां की जनता मांग कर रही है किसी स्टेट की तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो दर्जा दे सकते हैं लेकिन उनको भी सलाह लेना पड़ता है ठीक है अब सलाह किससे लेना पड़ता है आपको पता ही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेंगे पीएम से लेंगे तो वो सलाह पे जो है वो दर्जा दे सकते हैं राजभाषा का ठीक है ये बात कही गई है आर्टिकल तीन में क्लियर है ये पॉइंट अगला है आर्टिकल 348 ये क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक बिल के लिए प्रयोग की जाने वाली राजभाषा अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है तो वहां पे एक टिया बिल की बात हो रही है यानी कि अधिनियम बोले या विधेयक बोले आप सुनते हैं सी ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो इसके लिए सी ए बी और सी ए के लिए जो लैंग्वेज का यूज किया जाएगा जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसी भाषा की चर्चा की गई है तीन सौ अड़तालीस में जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही होगा इसमें हिंदी का कोई चर्चा नहीं है सिर्फ इंग्लिश होगा यानी कि राजभाषा के तौर पर यहां पे सिर्फ अंग्रेजी का यूज किया जाएगा एक या बिल के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा क्लियर यह पॉइंट अगला है आर्टिकल तीन सौ उनचास जो कि बोलता है कि राजभाषा संबंधी सुधार के लिए राजभाषा आयोग या संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है यहां बात हो रही है सुधार को लेकर राजभाषा संबंधी सुधार यानी कि रिफॉर्म्स की बात हो रही है ठीक है तो रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या आएगा आयोग आएगा कुछ कमेटी आएगा यही ना होता है रिफॉर्म्स के केस में तो यहां पे किसके किसकी बात हो रही है राजभाषा आयोग या संयुक्त संसदीय समिति इसके लिए ये कमेटी या आयोग बैठती है तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो राजभाषा आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाल गंगाधर खेर ठीक है और लेकिन अगर पहला बात है कि पहला जेपीसी का अध्यक्ष तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत या फिर जीबी पंत, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं जीबी पंत यही इसके अध्यक्ष थे अब जेपीसी कहने का क्या मतलब है वो कंफ्यूज आप हो रहे होंगे संयुक्त संसदीय समिति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ही शॉर्ट में जेपीसी बोलते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे जब हमने पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ाया था संसदीय समिति जब टॉपिक मैंने कवर किया था तो उसमें पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया था कि क्या होता है जेपीसी क्या होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ठीक है ये पॉइंट क्लियर है आपका अब बात करते हैं आर्टिकल 350 सौ पचास साढ़े तीन सौ किसी शिकायत के लिए अधिकारी को सूचना किसी भी भाषा में दी जा सकती है मतलब कि अगर आपको कंप्लेन करना है ठीक है मतलब किसी ऑफिसर को कंप्लेन करना है तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ राजभाषा में ही कंप्लेन कीजिए आपको जो भाषा बोलना है आप वहां पे जाके बोल सकते हैं उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ठीक है इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि राजभाषा जरूरी नहीं है किसी भी भाषा में कंप्लेन किया जा सकता है ऑफिसर्स को ठीक है यह बात कही गई है तीन में अगला है आर्टिकल 350 का ए सब पार्ट। प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा अगर प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड करना है प्राइमरी लेवल पे इंफॉर्मेशन देना है ठीक है वैसे ये मेनली बात हो रही है एजुकेशन की तो प्राइमरी स्टेज पे प्राइमरी लेवल पे अगर शिक्षा की सुविधा है देना है ठीक है तो उसके लिए जो यूज होगा वो मातृभाषा का यूज होगा बोले तो मदर टंग का यूज होगा मदर टंग और इसी मदर टंग को राजभाषा ही माना गया है क्योंकि ये बात हो रही है प्राइमरी लेवल की ठीक है पॉइंट क्लियर है ये 350 ए तक इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट कर लीजिए ठीक है फिर इसके आगे आते हैं 350 ए तक हो गया तो 350 बी भी है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 350 बी जो है वो डील करता है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान यानी कि स्पेशल प्रोविजन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात हो रही है उसमें लेकिन उसको हम कवर नहीं कर रहे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस हम आपको बोल दिए ठीक है तो अगला जो है वो लास्ट है आर्टिकल तीन आइए वो देख लेते हैं तीन तो सौ क्या कहता है कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश कहने का मतलब है कि डायरेक्ट सिंपली बोले तो हिंदी भाषा में विकास करने की बात हो रही है यानी कि डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज की बात हो रही है तो ये डेवलपमेंट करेगा कौन ऑब्वियस बात है सरकार ही करेगी कुछ कुछ पॉलिसीज लाकर है ना डेवलपमेंट करेगी उसकी बात हो रही है आर्टिकल तीन में तो यहां तक तो हमारा आर्टिकल्स कंप्लीट हो गया है इसके बाद हम बात करेंगे शेड्यूल्स के बारे में ऑलरेडी हम ये जो आठवां शेड्यूल आप देख रहे हैं ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं जब शेड्यूल्स पढ़ाए थे हम पहले भी आपको बताए हैं लेकिन हम फिर भी इसमें कवर करेंगे क्योंकि वो पार्ट लैंग्वेज का ही है ठीक है ये जो शेड्यूल रिलेट करता है वो लैंग्वेज का ही है तो आइए देखते हैं आठवीं अनुसूची जिसमें कि कुल बाईस भाषा है वर्तमान में लेकिन बात करते हैं अगर मूल संविधान में पहले की तो उसमें कितना था चौदह भाषा था ठीक है चौदह प्लस आठ है ना चौदह प्लस आठ चौदह पहले और आठ बाद में ऐड किया गया कुल बाईस ठीक है तो जो चौदह भाषा जो पहले के मूल संविधान में था वो है हिंदी संस्कृत उर्दू असमिया आस, बोले या असमीस बोले उड़िया बंगला मराठी गुजराती पंजाबी कश्मीरी कन्नड़ मलयालम तमिल तेलुगु ये जो चौदह भाषा है ये मूल संविधान का भाषा है ठीक है जो कि आप ध्यान में रखेंगे अब इसके बाद में आगे देखते हैं जो आठ न्यू ऐड किए गए मेन क्वेश्चन वहीं से बनता है तो जो आठ ऐड किए गए उसमें पंद्रहवा जो भाषा है चौदह तो यहां तक हो गया तो उसमें पंद्रहवा भाषा वो क्या है वो सिंधी भाषा की बात हो रही है और सिंधी को कैसे ऐड किया गया है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 सिंधी भाषा को जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत क्लियर है पॉइंट अब अगला जो तीन है नेपाली मणिपुरी कोंकणी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं नमक शॉर्ट में बोलते हैं क्या नमक तो नमक को कैसे ऐड किया गया है संविधान में यानी कि नेपाली मणिपुरी कॉन्कनी को संविधान में कैसे ऐड किया गया है सेवेंटी कि इकहत्तरवा संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के तहत नमक को संविधान में ऐड किया गया है नमक कहने का मतलब यह है साल्ट नहीं ठीक है अब बात करते हैं इसके आगे जो कि चार और है बी डी एम एस कहने का मतलब है बोडो डोगरी मैथिली संथाली शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको बी डी एम एस ठीक है इसको नमक बोलेंगे इसको बी डी एम एस बोलेंगे बोडो डोगरी मैथिली संथाली इसको संविधान में कैसे ऐड किया गया है तो इसको ऐड किया गया है संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ठीक है नाइनटी सेकेंड सी ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड एंड थ्री के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया है क्लियर है ये पॉइंट तो ये बात हो गई आपकी बाईस भाषाओं की इसमें एक पॉइंट और है गौर करने लायक जिसको नोट में मैंने लिखा है कि राजस्थानी भोजपुरी और अंग्रेजी ये सबको है वो आठवां शेड्यूल में नहीं रखा गया है राजस्थानी भोजपुरी और इंग्लिश ये तीनों भाषा को आठवां अनुसूची में नहीं रखा गया है ये अनुसूची के बाहर में आता है ठीक है तो क्लियर है ये पूरा पॉइंट तो इस तरीके से हमारा पूरा जो पार्ट सेवेंटीन यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये कंप्लीट हो गया है ठीक है। तो आपको आज का ये क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अपडेट जो है सो सबसे पहले आपको मिले बेल आइकन प्रेस करते ठीक है तो फिर मिलेंगे हम लोग कल जो कि होगा पार्ट एटीन जो कि डील करता है इमरजेंसी से यानी कि आपातकाल जो पार्ट एटीन है यानी कि भाग अठारह है संविधान का वो किससे डील करता है वो डील करता है इमरजेंसी से ठीक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी ये सब को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे सबको ठीक है तो अब बात करेंगे ये कल के टॉपिक में तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू सो मच टेक केयर